हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल स्टडी प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना सोशल स्टडी में जो चैप्टर चल रहा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, चुनावी राजनीति का, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हम कल पढ़ रहे थे जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हम कुछ स्लोगन्स पढ़ रहे थे जो जब इलेक्शन कैंपेन चलते हैं तो पार्टीज हैं या जो इंडिपेंडेंट जो लीडर होते हैं या मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्लोगन्स देते हैं। तो कुछ फेमस स्लोगन्स दिए हुए थे। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पुअर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिनकी लीडर इंदिरा गांधी थी, उसके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ यानी रिमूव पुअर्टी, और फेमस भी हुआ। द पार्टी प्रोमिस टू रीओरियंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पुअर्टी फ्रॉम द कंट्री। उस पार्टी ने वादा किया कि पार्टी की जो सभी नीतियां हैं उनका पुनर्निरीक्षण किया जाएगा राष्ट्र को गरीबी से मुक्त करने के लिए। सेकंड था आपका सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977 के अंदर, 1977 के अंदर जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उस समय जो जनता दल पार्टी थी उसके द्वारा स्लोगन दिया गया था सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। द पार्टी प्रोमिज टू अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज। उस समय इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लागू कर दी गई थी देश के अंदर, लोगों के ऊपर जातियाँ भी हुई, तो जनता जो पार्टी थी उन्होंने लोगों से वादा किया कि उनकी जातियों को अंडू किया जाएगा और लोगों को वापस उनकी जो सिविल लिबर्टीज हैं, स्वतंत्रताएं हैं, वो वापस प्रदान की जाएंगी। तो उस समय उस पार्टी ने, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द थ्रिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। सेकेंड, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वॉज द स्लोगन बाई एन टी रामा राव द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन 1983। अपने भी राजस्थान में भी या अदर जो स्टेट्स होते हैं, एमपी है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, सब स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शन के दौरान भी जो लीडर्स होते हैं वो अलग अलग स्लोगन्स देते हैं। जैसे तेलुगु देशम जो पार्टी थी उसने ये दिया कि जो तेलुगु जो लोग हैं उनके आत्मसम्मान को प्रोटेक्ट करना, सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना, इस प्रकार के स्लोगन्स दे करके अपनी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेक्निक्स एंड मेथड्स अडॉप्टेड इन इलेक्शन कैंपेन। जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं उनमें कौन सी तकनीकें, कौन से जो मेथड तरीके हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं कैंपेन के लिए। देखिए, ए पार्टी यूजुअली अडॉप्ट द फॉलोइंग टेक्निक्स और मेथड्स इन इलेक्शन टू द लोकसभा और विधानसभा। भले विधानसभा का हो, लोकसभा का चुनाव हो, एक पार्टी को, एक लीडर को, एक जो कैंडिडेट होता है उसको इनका फॉलो करना पड़ता है। उसमें फर्स्ट उसका जो होता है ये कौन से फॉलो करते हैं, पोस्टरिंग आप जानते हैं, पोस्टर लगाना जगह जगह। ए फ्यू डेज बिफोर इलेक्शन से कुछ दिन पहले क्या करते हैं, इलेक्शन डे द इलेक्शन कैंपेन बिगिंस विद पोस्टरिंग। जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो पोस्टरिंग के साथ में स्टार्ट होता है, पोस्टर के साथ में स्टार्ट करते हैं। दीज पोस्टर बीइंग द फोटोग्राफ्स ऑफ द नेशनल लीडर्स ऑफ द पार्टी कंसर्न अपीयर ऑन द वॉल्स एंड ऑफ द मेन बाजार एंड अदर स्ट्रीट्स। पार्टी के जो मुख्य नेता होते हैं उनके फ़ोटो लगा करके फोटोग्राफ्स के साथ में मेन मार्केट में या दूसरी गलियों में दीवारों के ऊपर उनके पोस्टर दिखाई देते हैं। पहला उनका पोस्टिंग का होता है। सेकेंड है उनका मीटिंग्स का, मीटिंग्स भी हेल्ड करते हैं।
देन द कैंडिडेट्स होल्ड वोटर्स वेरियस पार्टीज मीटिंग एंड कॉमन मीटिंग टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पार्टी वर्कर्स एज वेल एज द लोकल सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल बॉडीज। स्थानीय जो लोग होते हैं धार्मिक रूप से या जो सांस्कृतिक जो रूप से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको अपने साथ करने के लिए उनका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स क्या करते हैं वेरियस पार्टी मीटिंग्स करते हैं। फिर दौर शुरू होता है आपका स्पीचेज का स्पीच। देन वेरियस पब्लिक मीटिंग्स आर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू गेट सपोर्ट ऑफ द कॉमन मासेज। साधारण जनसभा का समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक स्थानों के ऊपर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके द्वारा मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं बुलाई जाती हैं। इन दीज मीटिंग्स वेरियस स्पीचेज आर डिलीवर बाई द लोकल एज वेल एज नेशनल लीडर्स। मच लाइट इज थ्रोवन इन दीज मीटिंग्स ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द पार्टी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स। इस प्रकार की मीटिंग की जाती हैं उसमें जो लोकल लीडर होते हैं उनके स्पीच होते हैं या नेशनल लीडर हैं उनके स्पीच होते हैं और ज़्यादा फोकस अपनी पार्टी की जो नीतियाँ होती हैं पॉलिसीज होती हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाता है इन स्पीचेज के अंदर। फिर आपका दौर शुरू होता है प्रोसेशन का जुलूस निकालने का। सो ऑफन लॉन्ग प्रोसेशंस आर टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर। इन दीज प्रोसेशंस लार्ज नंबर ऑफ ट्रक्स फिर जुलूस निकाला जाता है एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनके उनमें ट्रक शामिल होते हैं टेम्पोज होते हैं टोंगाज होते हैं रिक्शोज होते हैं मोटरसाइकिल स्कूटर साइकिल ईटीसी आर यूज्ड कैरी द प्रोसेशनिस्ट हु शाउट स्लोगन्स इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट और सम टाइम्स अगेंस्ट द अदर कैंडिडेट एट देयर लाउडेस्ट वॉस्ट। अपनी तेज आवाज़ के अंदर जो ट्रक के अंदर ये दूसरे व्हीकल के अंदर जो प्रोसेशन निकलता है जुलूस निकलता है उसमें वो नारेबाजी करते हैं अपने लीडर के फेवर में या कभी कभी दूसरा जो लीडर होता है ओपोनेंट जो लीडर होता है उसके विरुद्ध में भी ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ के अंदर नारे लगाते हैं। फिर आपका शुरू होता है हाउस टू हाउस कन्वेंसिंग होता है घर घर जा कर के मिलना होता है। देन हाउस टू हाउस कन्वेंसिंग इज अंडरटेकन बाई द कैंडिडेट एंड हिज पार्टीमेंट टू गेट द सपोर्ट एंड सिंपैथीज ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक होती है उसका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए उसके सिंपैथी प्राप्त करने के लिए घर घर जा कर के कैंडिडेट्स या उसके पार्टीमैन होते हैं वो लोगों से संपर्क करते हैं। द पम्पलेट्स एंड रेस्पेक्टिव मैनिफेस्टोज आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल टू गेट देयर वोट। लोगों से वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को जो पम्पलेट्स होते हैं या अपने अपने मैनिफेस्टो जो तैयार करती है पार्टी अपनी जो पॉलिसीज का अपनी नीतियों का वो स्वतंत्र रूप से लोगों को बांटे जाते हैं। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता जब से लागू होती है तो किस प्रकार से आचार कुछ नियम बनाए जाते हैं उन नियमों के दायरे में रह करके कार्य करना होता है। द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव अग्रीड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। सभी पार्टियां इस बात पर सहमत होती हैं कि कुछ नियम होते हैं सर्टेन कुछ सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको इलेक्शन कैंपेन के दौरान मानना है सभी पार्टियां उसको मानने पर सहमत होती हैं। सच प्रिंसिपल एज ए होल आर नोन एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उन सभी प्रिंसिपल को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉडल ऑफ कंडक्ट आर द फॉलोइंग। कुछ प्रिंसिपल्स ये हैं कौन से प्रिंसिपल हैं। नो प्लेस ऑफ वर्शिप शैल बी यूज फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। इलेक्शन प्रोपोगेंडा के लिए किसी भी जो पूजा का स्थान है उसको काम में नहीं लिया जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ द ओपोनेंट्स शुड बी लिमिटेड टू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो आलोचना होती है वो केवल उसकी नीतियों की उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं से संबंधित यानी व्यक्तिगत रूप से किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट बी यूज बाई एनी मिनिस्टर एंड द रूलिंग पार्टी। गवर्नमेंट है वो किसी मिनिस्टर को जो रूलिंग पार्टी होती है शासन में जो पार्टी होती है वो किसी मिनिस्टर को काम में नहीं ले सकती कैंपेन के अंदर। नो अनाउंसमेंट
ऑफ रिफॉर्म्स और फेवर्स शैल बी अनाउंस्ड आफ्टर द इलेक्शन हैव बीन अनाउंस्ड। जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, घोषणा के बाद कोई भी पार्टी है वो सुधार के या फेवर के कोई भी अनाउंसमेंट या घोषणा नहीं कर सकती। चुनाव घोषित होने के बाद, तिथि घोषित होने के बाद कोई भी कैंडिडेट है वो नई घोषणा या कोई रिफॉर्म्स है वो नहीं कर सकता। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पॉइंट पूरा हुआ। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।